हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एंड अगेन। एंड आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर फिर से, और करंट अफेयर्स के अंदर हमारा लास्ट जो वर्टिकल है, सेकंड वर्टिकल का लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज के अंदर हम नवंबर को आज हम कवर कर रहे हैं। नवंबर हमने, अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो देन यू विल नोटिस कि हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमने खत्म कर दिया है। सो यू कैन विजिट माई वीडियोज इन द प्ले लिस्ट ऑफ ऑबिचुरीज। Now we are into this November. November को भी खत्म करके हम नया vertical choose करेंगे from September, October, November again. It could be a military or it could be any other vertical जो हमारी list में है, जिसको हमने शुरू में define किया था as a syllabus. I hope कि जितने भी हमारे FCAT वाले हैं उनका paper, उनकी तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं। Wishing them a very you can say best of luck. तो शुरू करते हैं अभी obituaries of November. So let's start with the obituaries. तो इसी के अंदर अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास फिर से करंट अफेयर्स आ रहे हैं कि हमने इन सारे करंट अफेयर्स को करना है। करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास आ रहे हैं अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंक्स, इंडेक्सेस, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल। तो इन सारी चीजों को हमने खत्म करना है, जिसमें हम अवार्ड्स कर चुके हैं दोस्तों। अवार्ड्स के बाद अब हम ऑबिचुरीज के ऊपर बात कर रहे हैं आज। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर नवंबर के हैं ये ऑबिचुरीज, पार्ट थ्री है इस सीरीज में। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अबसार ब्यूरिया। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन एम्बेसडर एंड चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिया स्टडीज एंड रिसर्च हैं और नोटेड ओडिया लिटरेटर है। तो ये इनकी डेथ हुई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर। नेक्स्ट इज दलजीत कौर, जो कि पंजाबी मूवीज के, अगर कोई बच्चे अगर पंजाबी मूवीज के काफी फैन है तो इनको आपने कई बार मूवीज में देखा होगा। सो शी ऑल्सो लेफ्ट अस इन द मंथ ऑफ नवंबर, वेटरन एक्ट्रेस ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तबस्सम गोविल, रामायण अगर आपने देखी है तो रामायण में जो अरुण गोविल है उनकी ये वाइफ है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं छोड़ गई। शी वॉज ऑल्सो वेटरन एक्ट्रेस एंड टीवी होस्ट। नेक्स्ट बाबू मनी, ये इंडिया के फुटबॉलर हैं, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन, जो कि नवंबर के मंथ में चले गए। अरीज पिरोज शाह खंबता, ये रसना जो है इन्होंने फाउंड किया था, तो फाउंडर ऑफ द फेमस ड्रिंक रसना, ये भी हमें छोड़ के चले गए। सो दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज विक्रम गोखले। विक्रम गोखले अगर आपने हम दिल दे चुके सना मूवी, या फिर अगर आपने कोई और मूवी देखी है जैसे भूल भुलैया पार्ट वन अगर आपने देखा है, तो इनको आपने उसमें जरूर देखा होगा। और ये भी एक्सपायर हो गए हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। सो वेटरन टीवी फिल्म एंड स्टेज एक्टर हु पास्ड अवे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एल्बर्ट प्यून की, एल्बर्ट प्यून जो है ये एमिनेंट फिल्म मेकर हैं और ये भी नवंबर के मंथ में चले गए। डेविड मुर्रे, ये एक वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर हैं जो कि चले गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सुरेश जिंदल। सुरेश जिंदल जो है ये एसोसिएटेड है एमिनेंट फिल्म मेकर एंड अ प्रोड्यूसर। तो अगर हम सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं तो ज़्यादातर दोस्तों हमारे पास जो लोग हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारे पास डेटा आ रहा है उनका। नेक्स्ट क्लैरेंस एल्फ्रेड गिलियर्ड जूनियर, ये जो इंडिविजुअल थे अमेरिकन प्रोफेसर एक्टर एंड ऑथर। नेक्स्ट है गुलाम अब्बास मुंतसिर, ये जो इंडिविजुअल है ये बास्केटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड को मैं कवर कर चुका हूँ पहले भी आपके साथ इन द अदर सीरीज, तो उसमें जरूर देख लीजिएगा कि हमारे जो इंडियन अवार्ड्स आ रहे हैं, अर्जुना अवार्ड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, किस किस को किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेम केविन कॉनरे, ये बैटमैन की हो जो अगर बैटमैन के सीरीज के जो बच्चे हैं जिन्होंने बैटमैन सीरीज देखी है उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी बैटमैन को। सो दे विल बी वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस इंडिविजुअल। हमने ये देखा था कि हैरी पॉटर के जो थे वो भी अक्टूबर में एक्सपायर हुए थे, तो दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर्स, वी कैन नॉट कॉल देम एक्टर्स बट दे आर प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स, दोज हू पास्ड अवे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ओबिचुरीज के अंदर, देन इट इज मेहरान करीमी नसीरी। ये जो इंडिविजुअल हैं ये ईरानियन मैन है जो 18 ईयर पेरिस में रहे थे एयरपोर्ट में, और इन्होंने स्टीवन स्टीलबर्ग को इंस्पायर किया था फॉर टॉम हैंक्स मूवी द टर्मिनल। तो ये इतने साल तक वहीं पर रहे लेकिन इन्होंने उसको मूवी एक इंस्पायर की थी बाय स्टीवन स्टीलबर्ग। नेक्स्ट डॉक्टर आर एल कश्यप, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये पद्मश्री अवार्डी हैं, एमिनेंट मैथमेटिशियन है। तो
तो ये एमिनेंट मैथमेटिशियन थे जो कि नवंबर के मंथ में एक्सपायर हो गए। नेक्स्ट इज सिद्धार्थ सूर्यवंशी, ये एक प्रोमिनेंट रिनोन्ड टीवी एक्टर हैं जिनकी डेथ जिम में हुई थी। आजकल जिम में हमारे पास काफी ज्यादा ऐसा केसेस आ रहे हैं कि लोग जिम में जा रहे हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग एंड समवेयर डाउन द लाइन उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उनमें से एक ये भी थे जिस सिद्धार्थ सूर्यवंशी, जिनको वहां पर हार्ट अटैक आया था और इनकी डेथ हो गई थी। जो इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं वो है हमारे पास सर सेविड बटलर। सर डेविड बटलर जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं। नेक्स्ट श्याम सिंह नेगी, श्याम सिंह नेगी ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं एंड ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल और यू कैन से फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब कभी भी इलेक्शंस होते थे तो इनको हमेशा वो दिखाते थे कि ही इज द फर्स्ट वोटर और ये वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो यानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो, तो उसके लिए ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ विजय कुमार मेनन। विजय कुमार मेनन जो है वेटरन फाइन आर्ट स्कॉलर्स हैं एंड क्रिटिक हैं। इनको केरला ललित कला एकेडमी प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट जेम्बे ताशी, जेम्बे ताशी जो है ये बहुत ही रिनोन्ड एमएलए हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लुमला असेंबली इन त्वांग डिस्ट्रिक्ट। त्वांग डिस्ट्रिक्ट दोस्तों अभी हमारे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ड्यू टू द चाइना के साथ जो हमारा पंगा हुआ था, उसके लिए त्वांग डिस्ट्रिक्ट हमारी न्यूज़ में थी। सो ये वहाँ के एमएलए थे जो कि इन द मंथ ऑफ नवंबर चले गए। नेक्स्ट इज गोवर्धन सुंदरा वरदाचारी, ये एक एडिट जर्नलिस्ट एंड एमिनेंट एडिटर थे जो कि नवंबर के महीने में चले गए। नेक्स्ट इज एला भट्ट, एला भट्ट जो है ये पद्मश्री अवार्डी है, रामन मैगसेसे अवार्डी है और गांधी पीस प्राइज रेसिपिएंट है। तो अगर आप इनको देखोगे तो आप इनको एसोसिएट भी कर सकते हो कि रमन मैगसेसे अवार्ड कौन देता है, फिलीपींस देती है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने अवार्ड वाले सेक्शन में। गांधी पीस प्राइज किसको दिया जाता है और इस साल का विनर कौन है उसको भी हम वहां पर देख चुके हैं। तो इन सारों को इफ यू कैन मेक अ क्रॉस लिंक्स अमंग्स देम देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज। आगे चलते हैं नील पवन बरुआ, ये एक आर्टिस्ट हैं और ये आर्टिस्ट असम के हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो असम यानी ईस्टर्न साइड से हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, याद करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। ईस्टर्न साइड से हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, जो कि इस साल मतलब इस नवंबर के महीने में जिन्होंने हमें छोड़ा है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जमशेद जे ईरानी, ये एक इंडिविजुअल हैं जो कि जिनको हम कहा जाता है जो स्टील मैन ऑफ इंडिया, ये भी हमें इस मंथ में छोड़ गए। सो ये थे हमारे पास नवंबर के सारे ऑबिचुरीज। तो ये थे दोस्तों, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं इसके लिए सीरीज के लिए, उनके लिए एक मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आपके क्रॉस लिंक्स बन रहे हैं उतने ज्यादा आपके एकेडमिक्स के लिए अच्छा है। क्रॉस लिंक्स का मतलब ये होता है जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि ऑबिचुरीज के बारे में, जैसे मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बता रहा था कि अगर हम क्रॉस लिंक्स की बात करें तो अगर हम बात करें कि जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है या फिर कोई इंडिविजुअल है उसको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार ये स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स हैं और स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स आप फटाक से वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगी पिक्चर। और ऐसे करके आपका एक पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का आपका एक इकोसिस्टम बनता जाएगा और उस इकोसिस्टम के अंदर हर चीज विल बी कोरिलेटेड एंड दे विल बी शेयरिंग नॉलेज। और लास्ट में जाके आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब आपका पेपर नजदीक आएगा। कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर आर दिस बेनिफिशियल फॉर सीएपीएफ, लेट मी टेल देम फ्रेंकली कि दिस इज द बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर है कि कौन इंडिविजुअल क्या है, उसके बाद यू गो फॉर द इन डेप्थ नॉलेज। अदरवाइज अगर आप इन डेप्थ नॉलेज को के पीछे पड़ जाते हो कि सर हमें ये करने चाहिए, वन लाइनर्स पेपर में नहीं आते आते हैं जो भी है, तो उसके लिए मैं पहले कहूंगा कि पहले आपको एक बार तो एक बेसिक से क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन जंप इनटू द यू कैन से सब्जेक्टिव पार्ट। तो एक बार इसको जरूर याद करिएगा, वन लाइनर एंड दीज आर इंडिस्पेंसिबल, आप इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते फॉर सीडीएस एनडीए एंड एफ कैट। तो इसमें से हमने लास्ट टाइम बहुत बार हम देख चुके हैं कि इसमें से हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ एनालिसिस भी कर चुका हूँ कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर सॉरी 10 क्वेश्चंस तो नहीं, अगर करंट अफेयर्स की सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ तो समवेयर अराउंड आपके पास क्वेश्चंस बन रहे हैं 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं देन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम विदाउट गोइंग फॉर द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा,
ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, ये तीन चीजें बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिफेंस सर्विसेज थ्रू सीडीएस एंट्री और थ्रू द एनडीए एंट्री। एनडीए के लिए पॉलिटी थोड़ी कम होगी लेकिन ज्योग्राफी ज्यादा रहेगी और करंट अफेयर्स। सो विश यू ऑल यू फेलो, नॉट फेलो बट ऑल यू एस्पिरेंट्स अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, दोबारा मिलते हैं, थैंक यू।